आज़ादी के 69 साल बीत जाने के बाद भी करपी प्रखंड के नौना टोला विकास नगर में नहीं पहुंची है आज तक बिजली। बिजली नहीं पहुंचने के कारण लोग हो रहे हैं सुविधाओं से वंचित। कपिल मांझी के बच्चों को पढ़ने में हो रही है काफ़ी परेशानी। एक ढीबरी के सहारे उनके 4 बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी उदासीनता के कारण आज तक इस महादलित टोले में बिजली नहीं पहुँच पाई है। बिजली रहने से नहीं दिक्कत है, हम लोग बाल बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है। गरीब तबका कम आदमी है, तेल मिलता है तो उतना ही में मिलता है, जलाएगा कि उसे खाना बनाएगा। अंधेरे में बच्चे लोग रहते हैं, दिक्कत है। फिर गर्मी के दिन में दिक्कत आ जाता है। यहाँ भरपूर मतलब पेड़ बगान नहीं है कि लोग छाँव में आराम करे। अगर बिजली रहती तो पंखा वगैरह ला के लोग चालू करता है घर में, घर में दिन में आराम से बैठता। लाइन नहीं रहने से सब कुछ दिक्कत है सर। अंधारा में हम भी चोर चिहार आते हैं, बात गाड़ी दे के चल जाते हैं। लाइन रहते तो दूरी तक रगेते ना। ये बताइए कि मोबाइल कहाँ चार्ज कराते हैं आप लोग? नेवना गांव में। उसमें पैसा लगता है? 5 रुपया। मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि गरीब महादलित परिवार के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। हम और हमारा समुदाय यह चाहता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रकाश रंजन के मोबाइल नंबर 7763814394 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इन दलित समुदाय को बिजली मुहैया उपलब्ध हो। मैं SM जफर इकबाल, ग्राम नेवना टोला विकास नगर, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहट के लिए।